सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जनपी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूँ और यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, और ये शायद मेरे चैनल पे इस बार फर्स्ट टाइम होगा कि मैं क्लास 11th के लिए कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, या मे बी सेकेंड टाइम, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि शायद पिछले साल वगैरह मैंने एक कोई वीडियो बनाया था। लेकिन ये मेरे चैनल पे मतलब स्पेशली क्लास 11th के लिए ये वीडियो है 2022 के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास हैं लोग जो कमेंट कर करके बोल रहे थे लोग कि आप हमें ये बताइए कि क्लास 11th में कैसे कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है जेएनबी में, और किस किस टाइप से सभी चीज़ें की जाती है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को बताने के लिए। तो मैं इसमें कोशिश करूँगा कि सभी चीज़ें बताऊँगा, साथ ही साथ किस टाइप से एडमिशन होता है, फॉर्म वगैरह कब तक आता है, किस टाइप से एडमिशन प्रोसेस होगा, हर एक चीज़ मैं यहाँ पे डिटेल में कवर करने की कोशिश करूँगा। और इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें भी बताऊँगा कि एज क्राइटेरिया क्या है, कि किस किस एज के लोग भर सकते हैं लोग, क्या स्टेट बोर्ड के बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, नवोदय विद्यालय में किस मीडियम के थ्रू पढ़ाया जाता है, हर एक चीज़ें लगभग आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है सभी को मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में क्लियर कर दूँ। तो उसके लिए इस वीडियो में आपको बने रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि इसी पार्टिकुलर वीडियो में हर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, और मैं आपको नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल साइट पे भी ले चलूँगा और वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊँगा। तो बिना टाइम क्यों ना वेस्ट करते हुए चलिए अब हम चलेंगे नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल साइट पे। सो मेरे दोस्तों, यहाँ पे हम चलते हैं नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल साइट पे। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली आ करके यहाँ पे गूगल पे NBS आपको सर्च कर लेना है, और जैसे ही यहाँ पे NBS लिख करके सर्च करोगे, या नवोदय विद्यालय समिति भी आप लिख करके सर्च कर सकते हो, और यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आपको नवोदय विद्यालय की आप ऑफिशियल साइट पे आओगे, तो यहाँ पे आने के बाद से आपको क्या करना है कि ये कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नोटिस देगा, इसको कट कर देना है, और ये 3 वाली जो लाइन है इस पे आपको क्लिक करके, और थोड़ा सा नीचे एडमिशन वाला ये जो सेक्शन है इसमें आपको आना है, और यहाँ पे आप देखिए इनरोलमेंट पॉलिसी दिया गया है। इनरोलमेंट पॉलिसी यानी एडमिशन जो पॉलिसी होता है उसको लेकर के, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे देखिए आपके लिए क्लास 11th का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्लास 11th पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेटर एंट्री फॉर क्लास 11th। अब यहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से बताया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि द वैकेंट सीट अवेलेबल इन ईच JNB इज नोटिफाइड एवरी ईयर इन द लोकल न्यूज़पेपर बाय द JNB कंसर्न्ड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यानी नवोदय विद्यालय का जो क्लास 11th के लिए फॉर्म आता है, जितना भी सीट खाली रहता है क्लास 11th के लिए, वो क्या होता है कि लोकल न्यूज़पेपर जो होता है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में न्यूज़पेपर होता है, उसमें पब्लिक किया जाता है कि इतना जो सीट खाली है क्लास 11th के लिए, जैसे 2 सीट खाली है, 4 सीट खाली है नवोदय विद्यालय के लिए क्लास 11th में। तो ये सभी चीज़ें लोकल न्यूज़पेपर के थ्रू ही बताया जाता है, इनफैक्ट अब डिजिटल भी बता दिया जाता है, लेकिन लोकल न्यूज़पेपर के थ्रू ही मैक्सिमम केसेस में बताया जाता है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि द एडमिशन इन क्लास 11th इज कम्प्लीटेड 15th जुलाई एवरी ईयर, और नवोदय विद्यालय में जो क्लास 11th में एडमिशन होता है वो 15 जुलाई तक कम्प्लीट हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू नवोदय विद्यालय। अब यहाँ पे कुछ हम एलिजिबिलिटी ऑफ नो एडमिशन जो होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि स्टूडेंट का जो एज होना चाहिए वो 14 से 18 होना चाहिए, और जो एज कंसर्न किया जाएगा वो 1 जुलाई के अकॉर्डिंग किया जाएगा। और दूसरी एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं, इसमें बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट होना चाहिए वो 10वीं पास होना चाहिए, यानी क्लास 10th पास आउट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, जो CBSE हो या स्टेट बोर्ड हो। स्टेट बोर्ड के भी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नवोदय विद्यालय में जो आपको पढ़ाया जाएगा क्लास 11th और 12th वो सिर्फ CBSE के थ्रू ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय CBSE मीडियम पे चलता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो 4th वाला कंडीशन है वहाँ पे बोला गया है कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, यानी आप लोगों का कोई भी इंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा क्लास 11th के लिए, आप लोगों का जो रिजल्ट बनाया जाएगा वो मेरिट के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। मेरिट यानी कि आप कितने नंबर, आपका परसेंटेज जो क्लास 10th में आया है उसके अकॉर्डिंग। नवोदय विद्यालय में आपने अप्लाई किया है उसमें 2 सीट खाली है और 300-400 बच्चों ने अप्लाई किया है, तो उसमें से क्या किया जाएगा कि जैसे मान लीजिए आपने साइंस स्ट्रीम के लिए किया है और स्पेशली मैथ के लिए, तो उसमें देखा जाएगा कि मैथ में किसके नंबर अच्छे हैं, कितने सबके सबसे ज़्यादा किसके परसेंटेज है, वो किस बोर्ड से है, वो CBSE से है या नहीं, ये सभी चीज़ें देख करके और फिर उनको सेलेक्ट किया जाता है। खैर कट ऑफ पे भी हम थोड़ा बात करते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है एक लास्ट कंडीशन है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव रीजनेबल कॉम्पिटेंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी जो विद्यार्थी होना चाहिए उसको हिंदी और इंग्लिश में अच्छे नंबर आना चाहिए क्लास 10th में। ऐसा नहीं हो कि वो क्लास 10th में मतलब हिंदी और इंग्लिश में उसके कम नंबर हो, यानी हिंदी और इंग्लिश का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा मतलब यहाँ पे दिया गया है स्पेशली।
अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कट ऑफ वगैरह के बारे में कि आप लोग का कितना कट ऑफ वगैरह जाएगा, मतलब कितना परसेंटेज वगैरह होने पे आप लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। वैसे देखिए जनरली मैंने मतलब कई लोगों से जो मेरिट लिस्ट वगैरह पे आते हैं उनसे मैंने डिस्कशन किया है, तो अगर आपकी 90 प्लस रहते हैं किसी भी, अगर आप स्टेट बोर्ड से हो या CBSE वगैरह से हो, तो आपका सिलेक्शन इजीली नवोदय विद्यालय में हो जाता है। तो अगर आपके 90 से ज़्यादा परसेंटेज हैं तो आप नवोदय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हो। जब भी आपके लोकल न्यूज़पेपर में आता है तब भी या ऐसे नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल साइट पर भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। तो इसके लिए आपको फॉर्म फिल करना होता है, फॉर्म जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाता है, तो पैसे की कोई चिंता नहीं है। उसमें आपको क्लास 10th का अपना सभी रिजल्ट अपलोड करना होता है, और इवन क्या होता है कई बार कि आप लोग का ओरिजिनल रिजल्ट नहीं आया रहता है तो जो स्क्रीनशॉट होता है वो भी अपलोड कर सकते हो। इनफैक्ट आपको जो सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले हैं इस टाइप से शायद भरने के लिए भी ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उस टाइप से आप भर करके और अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसीड कर देते हो, और उसके बाद से वहाँ पे मतलब मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है, और उसके बाद से जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको कॉन्टैक्ट करके कॉल करके बताया जाता है कि नवोदय विद्यालय में क्लास 11th के लिए आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आप जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और डॉक्यूमेंट के बाद से आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो क्लास 11th में जो एडमिशन होता है इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। बहुत सारे लोगों को मतलब ऐसे डाउट वगैरह था तो मैंने सोचा कि एक पार्टिकुलर वीडियो बना करके सभी चीज़ें आपको बता दूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय नवोदय।